अक्षय कुमार की मूवीज लॉकडाउन के बाद से ज्यादातर फ्लॉपी रही है एंड सेम गोज विद टाइगर श्रॉफ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों के लिए एक चांस थी कि दोनों एक हिट दे सके। मैं जिस शहर में रहता उसमें 3D शोज ज्यादा थे मूवी के और 2D शोज बहुत कम थे, तो मुझे ये मूवी 3D में देखनी पड़ी। और स्ट्रिक्टली ये मूवी के 3D इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही फ्लैट है। बस थोड़े बॉम्ब ब्लास्ट वाले सीन्स थे जो 3D में अच्छे दिखे, बट 2D में देखता तो भी चल जाता। 3D के चक्कर में पैसे ज्यादा कटे हैं मेरे। सबसे पहले मैं आलिया एफ की तारीफ करूंगा। बड़े स्क्रीन पर बड़े पर्दे पे वो भी 3D में इसने हक दिया। इतने क्रिंज डायलॉग्स दिए इसके कैरेक्टर को, उसकी क्या जरूरत थी आई डोंट नो। वैसे ट्रेलर से तो 90% मूवी की स्टोरी समझ में आ गई थी, फिर भी रिव्यू के लिए मैं मूवी थिएटर में देखने चले गया। वैसे तो था मैदान मूवी देखूं इसके बाद, बट क्योंकि ये मुझे 3D में देखनी पड़ी और टिकट की कॉस्ट बढ़ गई इसलिए मैं मैदान नहीं देख सका। बड़े मियां छोटे मियां टोटल टाइम पास के लिए बनी है और ऐसा नहीं है कि ये एक वर्स्ट मूवी है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के कोलैबोरेशन से तुमने भी अच्छा एक्शन एक्सपेक्ट किया होगा और हाँ, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई है। एक्शन सीन्स में कट्स बहुत कम थे जिसकी वजह से एक्शन सीन्स देखने में सच में मजा आया, लेकिन ये एक बहुत ही एवरेज मूवी निकली। सबसे पहले अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के रिलेशनशिप को जिस तरह से दिखाया गया है उसमें डेप्थ बहुत कम है, इसलिए इसको लेके मेरा एक मिक्स्ड ओपिनियन है। इमोशनली दोनों का डियो कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में जो कंपटीशन और फन दिखाया है वो काम कर जाता है। मूवी की स्टार्ट तगड़े एक्शन सीन से होती है जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मूवी डायरेक्ट मुद्दे पे आती है और किसी के पर्सनल लाइफ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है, ये एक अच्छी बात है। अब स्ट्रॉन्ग विलन को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग हीरोज भी चाहिए। पृथ्वीराज सुकुमारन जिसने विलन का रोल किया है इस मूवी में, उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस मूवी में टोटल सीरियस विलन का रोल किया है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर पोर्ट्रेयल है ना, ये मुझे पठान के जॉन अब्राहम से बहुत सिमिलर लगा, क्योंकि दोनों भी इंडियंस होते हैं और किसी वजह से दोनों भी इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं। मूवी में 3 हीरोइंस होने के बावजूद मूवी में रोमांस नहीं है और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मूवी चलते चलते रोमांस में अगर घुस जाती तो बहुत डाइवर्जन लगता टॉपिक में। वैसे भी एक गाना आता है अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा के बीच में जो बहुत ही अननेसेसरी लगा, बट मूवी के फ्लो को खराब नहीं किया। बाकी के गानों के बारे में बात ही ना करूं तो ठीक है, क्योंकि इस मूवी के गाने भी बहुत ही एवरेज थे, नहीं होते तो भी चल जाता। अगर बात करूं इस मूवी के सेलिंग पॉइंट के बारे में जो है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स, तो दोनों ने जो मेहनत किया है वो स्क्रीन पे दिख के आती है। मिनिमल कट्स के साथ कंटिन्यूस एक्शन सीन्स है इस मूवी में और देखने में वो जो मजा आता है ना, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। और एंडिंग की बात करूं तो एंडिंग में अक्षय कुमार वर्सेस अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ वर्सेस टाइगर श्रॉफ होता है और वो एक्शन सीन्स तो कंटिन्यूस था और वो देखने में जो मजा आया दैट वाज सो अमेजिंग। कंटिन्यू मारधाड़ चल रही है स्क्रीन पे और सांस लेने के लिए भी टाइम नहीं दे रही है पब्लिक को। मूवी में कॉमेडी भी है जो कभी कभी काम करती है। मूवी में टाइगर श्रॉफ एक बंदे के साथ फाइट करता है जिसको एक मास्क होता है, उस बंदे को टाइगर श्रॉफ मारता है, एक बंदी कार से ठोक देती है, फिर भी वो आदमी वापस उठता है। तब टाइगर श्रॉफ बोलता है ये डैंड्रफ है क्या जो खत्म ही नहीं होता। मूवी में ऐसे ऐसे डायलॉग्स भरे जो कभी कभी काम करते हैं और कभी कभी क्रिंज लगती है। और एक सीन होता है जिसमें आलिया एफ को नो एंट्री में एंट्री मारनी पड़ती है किसी काम के लिए, तो वहां पर एक बंदा आके पूछता है इंग्लिश में व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो वो बोलती है इंस्टाग्राम के रील्स बनाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। सीरियस सिचुएशंस में ऐसे डायलॉग्स हैं और इसकी वजह से सीरियस सिचुएशंस के साथ कॉमेडी फ्री और कॉमेडी सिचुएशंस के साथ मारामारी फ्री मिलती है, क्योंकि मूवी का नाम बड़े मियां छोटे मियां है और टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के बीच में कॉम्पिटिशन होती है। अगर ऑडियंस को ये मूवी डिवाइड कर पाती जिसमें कुछ लोग टाइगर श्रॉफ के साइड और कुछ लोग अक्षय कुमार की साइड लेते तो मूवी में क्या मजा आता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूवी इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करती। मूवी की प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एक्शन पे, जिसकी वजह से एक एवरेज मूवी बनती है। और अगर एक्शन पे भी इस मूवी का प्राइमरी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो ये वन ऑफ द वर्स्ट मूवी बनती, लेकिन अगर ये मूवी सबके ऊपर इक्वली कॉन्सेंट्रेशन करती तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी भी बनती। मूवी की बजट है 350 करोड़ और स्क्रीन पे दिख के आती है कि हाँ इतने पैसे खर्च हुए हैं। अब ये हिट होती है या फ्लॉप होती है ये तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि मूवी बहुत ही एवरेज है। अगर सिर्फ लोग एक्शन सीन्स के लिए देखने जाएंगे तो ये मूवी हिट हो सकती है, बट द क्वेश्चन इज क्या ये मूवी तुमको थिएटर में देखनी चाहिए। मूवी इतनी बुरी भी नहीं है, अगर एक्शन सीन्स देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैन हो, तो ये मूवी डेफिनेटली तुमको थिएटर में जाके देखनी चाहिए, पक्का एंजॉय करोगे। लेकिन अगर तुम कुछ लॉजिकल और बहुत ही सीरियस मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए नहीं। और एक बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। इस ईयर में मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने हैं। वॉच आवर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं मेरे, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे। और मैं फाइनल ईयर में हूं बीबीए के और फिर मुझे एग्जाम भी देने हैं, तो मैं ये 3 मंथ्स में ज्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड एंड प्लीज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स, सब्सक्राइब किया तो कमेंट्स में बोल देना कि यस आई हैव सब्सक्राइब, देख के अच्छा लगता है। तो लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा वो है कि आजकल फोन पे बहुत लोग एडिक्ट हो रहे हैं और बहुत लोगों की मेंटालिटी फोन की वजह से कैसे कंट्रोल हो रही है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा और साइड में भी आपको दिख रहा होगा। क्लिक करके ये वीडियो पक्का देखिए और उन लोगों के साथ भी शेयर करिए जिनके बारे में आप केयर करते हो।